स्वागत है आपका गिज्मो इंडिया में और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जहां हम आपकी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में कुछ गिव अवेज चल रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं ये स्मार्टफोन्स। तो आप गिज्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। Xiaomi ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है Xiaomi Redmi K30 सीरीज को 10 दिसंबर को लॉन्च करेगा चाइना में, और हो सकता है चाइना लॉन्च के कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों बाद ये स्मार्टफोन इंडिया में भी अवेलेबल हो जाए। Redmi K30 सीरीज एक 5G सीरीज होने वाला है जिसमें स्नैपड्रैगन 735 प्रोसेसर का यूज होगा, जो एक मिड रेंज 5G प्रोसेसर होगा। Redmi K30 सीरीज में हमें देखने मिलेगा डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा, और Redmi K30 सीरीज का जो डिस्प्ले होगा वो 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा, और हो सकता है हमें Redmi K30 सीरीज में 66W फास्ट चार्ज भी देखने मिल जाए। Redmi K30 सीरीज के बारे में फिलहाल तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम आपको भी अपडेट कर देंगे। MediaTek ने अपना सबसे पावरफुल प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1000 लॉन्च कर दिया है। ये प्रोसेसर एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बना है, और ये बिल्ट इन 5G प्रोसेसर है। MediaTek के नए प्रोसेसर ने एप्पल के A13 बायोनिक चिपसेट को तो हरा ही दिया है, लेकिन साथ में उसने स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर को भी बीट कर दिया है। एप्पल के A13 बायोनिक प्रोसेसर का मैक्सिमम एंटूटू स्कोर है 456,000 और स्नैपड्रैगन 855 प्लस का हाईएस्ट एंटूटू स्कोर है 496,000, लेकिन MediaTek के नए प्रोसेसर ने इन दोनों प्रोसेसर को ही बीट कर दिया है 511,000 पॉइंट्स के साथ एंटूटू पर। Honor ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Honor V30 और Honor V30 Pro। दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर है बस माइनर चेंजेस के साथ। Honor V30 और Honor V30 Pro में हमें देखने मिलता है 6.57 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले। Honor V30 में हमें देखने मिलता है 4200 mAh की बैटरी, और Honor V30 Pro में हमें देखने मिलता है 4100 mAh की बैटरी। दोनों ही स्मार्टफोन 40W फास्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं और 27W वायरलेस फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही स्मार्टफोन 7.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन चलते हैं 990 प्रोसेसर में, जिसमें हमें देखने मिलता है अप टू 8GB रैम और अप टू 256GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो Honor V30 में देखने मिलता है हमें 40 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और Honor V30 Pro में हमें देखने मिलता है 40 मेगापिक्सल का सोनी IMX600 सेंसर, 12 मेगापिक्सल का स्पेशली वीडियो सेंसर जो है 5x ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन वाला सेंसर, और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। और सेल्फी के लिए दोनों ही स्मार्टफोन में दिए गए हैं 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। Honor V30 और Honor V30 Pro दोनों ही स्मार्टफोन डुअल 5G सपोर्ट के साथ आते हैं, और Honor V30 सीरीज की स्टार्टिंग प्राइस है 37,000 रुपीस अगर हम डायरेक्टली इसे इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो। वैसे हमारे चैनल में Honor V30 Pro की गिव अवे भी चल रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं Honor V30 Pro स्मार्टफोन। एक नई लीक निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, जहां हमें सैमसंग गैलेक्सी S11 प्लस के कुछ पिक्चर्स देखने मिलते हैं। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें सैमसंग गैलेक्सी S11 प्लस में सेंट्रलाइज पंच होल डिस्प्ले देखने मिलेगा, और बैक की तरफ देखने मिलेगा पेंटा कैमरा सेटअप, जिसका मतलब है इसमें हमें देखने मिलेगा 5 कैमरा सेटअप पीछे की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी S11 प्लस आएगा 6.9 इंच क्वाड HD प्लस कर्व डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले के साथ, और इसमें हमें देखने मिलेगा 108 मेगापिक्सल का सेकंड जनरेशन सैमसंग सेंसर। सैमसंग गैलेक्सी S11 प्लस अगले साल यानी 2020 में फरवरी में लॉन्च होगा। फिलहाल तो इस फोन की बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम आपको भी अपडेट कर देंगे। टेक्नो ने इंडिया में अपना एक नया मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क पावर। टेक्नो स्पार्क पावर में हमें देखने मिलता है 6.35 इंच HD प्लस डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी। ये स्मार्टफोन चलता है MediaTek के हीलियो P22 प्रोसेसर में, जिसमें हमें देखने मिलता है 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें दिया गया है ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। टेक्नो स्पार्क पावर इंडिया में अवेलेबल है 8,499 रुपीस में, और ये स्मार्टफोन 1 दिसंबर से फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।